नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि वर्मा, मैं फिफ्थ जनरेशन ज्वेलर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमरल्ड के बारे में, एमरल्ड जिसको कि पन्ना भी बोला जाता है। सो गाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोन, ग्रीन कलर का स्टोन आता है ये, एंड इसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल इन डेप्थ बताने वाला हूँ। सो बुध का स्टोन है ये, मर्करी का स्टोन है, जिनकी राशि वर्गो होती है वो लोग इसको डाल सकते हैं स्टोन को। सो गाइस, ये बहुत ही लाइट और फ्रेजाइल स्टोन है और बहुत जल्दी से टूट जाता है। सो अगर आपने इसको पहना हुआ है या आप प्लान कर रहे हैं इसको पहनने के लिए, सो आप इसको थोड़ा केयरफुल रहिएगा इसके साथ। अगर आपने रिंग में डाला हुआ है तो अपना हाथ हिट मत होने दीजिएगा, बिकॉज ये टूट सकता है बहुत जल्दी ये स्टोन। कहा जाता है कि ये आपकी ज़िंदगी में लव अट्रैक्ट करता है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लव, अगर आप ढूंढ रहे हैं प्यार को अपनी ज़िंदगी में, तो ये आप स्टोन डाल सकते हैं, इट विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ लव इन योर लाइफ। सो गाइज, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करता हूँ जहाँ से ये निकलता है, तो कोलंबिया, ब्राज़ील, जाम्बिया, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, USA, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन फॉर अ वाइल। बट जो बेस्ट स्टोन्स आते हैं, जो बेस्ट एमरल्ड्स आते हैं, वो आते हैं कोलंबियन एमरल्ड्स। सो दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा जो रेयर स्टोन्स रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो ब्यूटीफुल स्टोन्स रहते हैं वो कोलंबियन रहते हैं। सेकेंड बेस्ट कैटेगरी जो रहती है वो जाम्बियन की रहती है, जो मार्केट के अंदर ईजिली अवेलेबल होती है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखिए, ये जो ग्रीन कलर का स्टोन है, एमरल्ड्स बहुत ज़्यादा फेक भी मिलते हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल जो रहते हैं। आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल ट्रिक जिससे आपको पता लगेगा कि फेक स्टोन्स कैसे आप बचें, कैसे ना खरीदें। वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो। इससे पहले ये दो स्टोन्स आप देखिए, आप देख रहे हैं ये स्टोन है ऑलमोस्ट अबाउट 3,000-3,500 रुपीज़ रत्ती के आसपास, और बहुत सारी इंक्लूजनस हैं इसके अंदर। सो टेक्निकली ये प्राइस रेंज बेसिक चलता है, इसका इम्पैक्ट आपको अच्छा मिलेगा अगर आप इसको पहनना चाहते हैं तो। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर अच्छा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। अब आप देख रहे हैं ये स्टोन 10,000 रुपीज़ रत्ती के आसपास का है, और इसके अंदर थोड़ी कम इंक्लूजन्स हैं अगर 3,000 वाले स्टोन से हम कंपेयर करते हैं तो। ये वाला स्टोन जो है आप देखेंगे तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, एज आई सेड कि एनर्जी लेवल्स इनके अंदर ज़्यादा होते हैं अगर इंक्लूजन्स कम होंगी। सो आई रिकमेंड जितनी इंक्लूजन्स कम होंगी उतना ही इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। सो आप देखिए, ये जो दो स्टोन्स थे, ये दीज आर ब्यूटिफुल स्टोन्स, प्राइस रेंज वेरी नॉमिनल प्राइस रेंज है इनकी। सो मैं आपको ये बताता हूँ कि ड्यूबलेट्स भी मार्केट के अंदर अवेलेबल रहते हैं। तो ड्यूबलेट क्या होता है कि ऊपर उन्होंने एमरल्ड को लगा रखा होता है, रियल एमरल्ड, और नीचे ग्लास लगा रखा होता है। आई रिक्वेस्ट यू कि इन स्टोन से बचिए। अगर आप अपने हाथ में पकड़ के भी देख रहे हैं लाइट के अंदर स्टोन को ऐसे मूव करके, तो आपको पता लग जाएगा कि ऊपर का कलर कुछ और है, नीचे का कलर कुछ और है। आई रिक्वेस्ट यू कि अवॉइड कीजिए ऐसे स्टोन्स को, ग्लास अच्छा नहीं होता पहनना, तो आप इन स्टोन्स को मत पहनिए, मत लीजिए। मैं आपको बात करता हूँ अगर कलर की, एमरल्ड का कलर ग्रीन होता है, तो ब्लूइश ग्रीन एंड येलोइश ग्रीन दो इसमें हिंट आते हैं। थोड़ा सा ह्यू येलो का या थोड़ा सा ह्यू ब्लू का आ सकता है नेचुरल स्टोन्स के अंदर। डोंट गेट स्केयर्ड कि इसमें तो ब्लू कलर आ रहा है या इसके अंदर तो येलो कलर आ रहा है। दीज आर नेचुरल स्टोन्स जिनके अंदर ऐसा ह्यू आ सकता है। जैसे मैंने प्राइस की बात करी, तो प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम अबाउट 1,000 रुपीज़ रत्ती से स्टार्ट होता है। अगर आपने मेरी रत्ती की वीडियो नहीं देखी है, सो दिस इज़ द लिंक, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा रत्ती के बारे में एक्सप्लेनेशन आ जाएगा कि रत्ती क्या होता है। सो 1,000 रुपीज़ रत्ती से स्टार्ट होकर क्लोज टू 3,00,000 रुपीज़ या रत्ती तक ये स्टोन की वैल्यू जाती है, डिपेंडिंग ऑन कितना ज़्यादा क्लियर स्टोन है, कितना ज़्यादा बड़ा स्टोन है और कितना ज़्यादा उसका कलर अच्छा है। सो जैसे जैसे ये तीनों चीज़ें इंक्रीज होती जाती हैं, वैसे वैसे स्टोन का प्राइस भी इंक्रीज होता चला जाता है। ग्रेविटी की बात करता हूँ, जितना ज़्यादा क्लियर स्टोन होगा, जितनी कम उसके अंदर ह्यू होगी, जितनी कम उसके अंदर इंक्लूजन्स होंगी, उसका ग्रेविटी उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता चला जाएगा। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी इंक्रीज़ होगी, उतने ज़्यादा बेनिफिट आपको ये स्टोन देगा। तो अगर मैं एमरल्ड्स की बात करता हूँ, तो एमरल्ड्स आपको सेंसिबल बनाते हैं, आपके हार्ट चक्रा के लिए एमरल्ड्स होते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। बेनिफिट्स गोज़ ऑन फॉर अ वाइल, अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, फॉर्चून अट्रैक्ट करता है लाइफ में। तो आप पढ़ सकते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, आप लिख सकते हैं गूगल पे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एमरल्ड, या एमरल्ड के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, देर आर प्लेंटी ऑफ देम। गाइज, ये जो स्टोन है, पर्ल्स और कोरल्स के साथ मत पहनिए, बिकॉज जैसे इस स्टोन की सबसे खास बात यह है कि आपकी बॉडी और माइंड को स्टेबिलिटी देता है और आपका माइंड एनहांस करता है। तो अगर आप इसको पर्ल्स के साथ या कोरल्स के साथ पहनेंगे तो आपका माइंड शार्प नहीं होगा, वीक हो जाएगा। सो अवॉइड दैट। आप सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर से मिलकर, उनसे पूछकर ही इस स्टोन को धारण कीजिए। अगर वेट की बात करता हूँ स्टोन की, तो रत्ती, कितने रत्ती का पहनना चाहिए, बहुत कन्फ्यूजन होती है सबको। तो
10 kg पर रत्ती होता है। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप 80 kg के हैं तो आपको 8 रत्ती का स्टोन पहनना चाहिए, अगर आप 90 kg के हैं आपको 9 रत्ती का स्टोन पहनना चाहिए, पर अपने एस्ट्रोलॉजर से, सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने के ही बाद। सो एमरल्ड्स को वेंसडे को पहना जाता है। मेक श्योर आप जब भी स्टोन को खरीद रहे हैं तो आप वेंसडे को ही पहनिए और बेसिकली गोल्ड के अंदर ही पहनिए। गाइज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग की बात मैं आपको करता हूँ। देखिए, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं, मशीनरीज बहुत अच्छी अच्छी आ चुकी हैं कि लैब में बहुत अच्छे स्टोन्स प्रिपेयर करे जाते हैं। ऐसे स्टोन्स भी प्रिपेयर करे जाते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्लूजन होती है। तो बीइंग अ ज्वेलर, मैं भी किसी स्टोन को देखता हूँ जिसके अंदर बहुत सारे इंक्लूजन है और मेरे को लगता है ये तो असली स्टोन है, बिकॉज एग्जैक्टली रियल लगता है देखने में, कोई डिफरेंस नहीं लगता। बट जब उसको सर्टिफिकेशन के लिए लैब में भेजते हैं तो पता लगता है कि यार ये तो इट्स अ फेक स्टोन, ये तो फेक है स्टोन। सो गाइज, अगर आप कोई भी स्टोन ले रहे हैं, चाहे वो आप 10,000 रुपये का ले रहे हैं, चाहे वो आप 1,00,000 रुपये का ले रहे हैं, चाहे वो आप 2,00,000 रुपये का ले रहे हैं, मेक श्योर कि आप सर्टिफिकेट के साथ ही उसको लीजिए। अब आप पूछेंगे कौन सी लैब से मैं सर्टिफिकेशन लूँ। सो JJEPC, जो एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी होता है, उनके द्वारा सर्टिफाई करी हुई काफ़ी सारी लैब्स होती हैं, तो आप उनका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इंडिया के अंदर काफ़ी सारी लैब्स हैं, इंटरनेशनल लैब्स हैं, जैसे IGI है, इंटरनेशनल में GIA है, डुबलिन है, स्विस लैब्स हैं, GRS है, उनका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और ऐसी कुछ लैब्स का लिंक जो है नीचे बायो में भी आपको मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप कोई भी सर्टिफिकेट लेते हैं अच्छी लैब का ही लीजिए, और आप उसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं जाके। इन केस आपके पास कोई अच्छी लैब का सर्टिफिकेट है, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, सर्टिफिकेट नंबर एंटर कीजिए एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स इन देयर। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई एंड यू थिंक आपको कोई भी इससे बेनिफिट हुआ है, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। थैंक यू।